जैसे चाट हो या बिरयानी, आलू हर कहीं सेट है, उसी प्रकार ये सैयद भी हर रोल में फिट है। वंस मोर जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पिछले हफ्ते नागपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने 50 रुपए का टिकट खरीदकर रविवार के दिन भी स्कूली बच्चों के साथ रेलवे यात्रा करते हुए नजर आए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी साहब का रविवार के दिन भी स्कूली बच्चों के साथ यात्रा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसी दौरान विपक्षी नेता और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री साहब को ट्रोल करने में लग गए। अच्छा बात नहीं है। इसी बीच सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं, आज संडे के दिन कौन सा स्कूल खुला हुआ है पता नहीं। वहीं विनी नाम की उजय लिखते हैं, पढ़ा लिखा होना भी कितना जरूरी है, इस तस्वीर को देखकर यही लगता है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के काउंटर से टिकट खरीदते हुए प्रधानमंत्री साहब। वहीं कांग्रेस नेता अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, रविवार के दिन कौन सा स्कूल खुलता है, स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए सर। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। कॉमेडियन भगत राम लिखते हैं, इन बच्चों को कोई संडे वाले दिन स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनने देता था, लेकिन मोदी जी ने अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में इन्हें संडे को भी यूनिफॉर्म पहना दी, क्योंकि इस इंसान ने बचपन में गरीबी देखी। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है और डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया। आर यू कॉमेडी मी? एक जरूरी बात तो कहने में भूल ही गया। दोस्तों, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को अपने कैमरे फ्रेम से हटाते हुए देखे जा सकते हैं। सड़क सड़क उधर रुक जा, रुक जा, रुक जा।